मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में कृषि कार्य संपन्न कर अपने समधी के बैल लौटाने जलगोन जा रहे भडवाली गांव के पटेल व कृषक सदाशिव मंडलोई के साथ उन थाना के एएसआई शकील खान और एक आरक्षक ने थाना मोबाइल वाहन में बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। कृषक को गंभीर अंदरूनी चोटें आने पर ग्रामीण जन पुलिस अधीक्षक कार्यालय खरगोन के समक्ष पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक पांडे ने पीड़ित कृषक को तत्काल अस्पताल ले जाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। भाजपा सेगांव मंडल अध्यक्ष संतोष राठौर ने कहा, दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, अन्यथा आंदोलन करेंगे। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी प्रकाश भावसार ने कहा, कमलनाथ सरकार में पुलिस प्रशासन निरंकुश हो गया है। निर्दोषों को पुलिस मार रही है और अपराधियों से हफ्ता वसूली कर रही है। इस सरकार का जल्दी जाना किसान व आम जनता के हित में होगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। इसमें जो ये लोग आए थे, मेरे से मिले हैं, गाँव के लोग थे, इनका ये कहना है कि ये व्यक्ति सुबह जो है बैल लेके कहीं रिश्तेदारी में जा रहा था, रिश्तेदारी से ही बैल लाया था, तो पुलिस ने इस शक के आधार पे कि चोरी करके तो नहीं जा रहा है, इनको पकड़ा और इनके साथ अपना किया। इसके हमने इंक्वायरी के लिए दे दिया है, इंक्वायरी करा रहे हैं। अगर पुलिस के द्वारा कोई गलती की गई होगी तो हम उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, किसान कह रहा है कि 5,000 रुपये की मांग भी की और चोर को समझ के जानबूझ के मारा। ये आपसे बोला होगा उन्होंने, मेरे से तो उन्होंने यही बताया कि उनके साथ मारपीट की गई, तो इसकी हम जाँच करवा रहे हैं। अगर ऐसा भी उन्होंने बोला है तो हम उसकी भी जांच करवाएंगे, अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, जब से आई है लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल हो गया है, पूरा पुलिस तंत्र वसूली में लगा है और जो अवैध गोवंश परिवहन हो रहा है वो तो इनसे रुक नहीं रहा है। किसान अपने खेतों में या अपने घर पर बैल और ये लेकर जाते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। इस मामले में भी किसान से 5,000 रुपये की मांग की गई और उसको बेरहमी से पीटा गया। ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का शासन है? ये कमलनाथ सरकार पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल हुई है और ऐसी सरकार का जल्दी से चले जाना किसान हित में है और प्रदेश की जनता के हित में है। बेल ले जा रहा था 5 बजे रात को मेरे समधी के यहाँ छोड़ने के लिए, और अचानक गाड़ी पीछे से आई और उठा के मेरे गाड़ी पटक दिया, बांध दिया, बहुत मारा इन्होंने चोर साला तू करके। मैं कह रहा मैं भडवाली पटेल हूँ, क्या नहीं सुन रहे तो बोलना थे नहीं क्या? किसने मारा? पुलिस वाले, आप क्या मान लो, मैं नाम तो नहीं जानता, बाकी खान खान करके बोलते हैं। कौन से थाने में? वन थाने के, क्या? और बहुत मारा, छाती बैठ गया, बहुत मारा मेरे को उन्होंने। कैसे मारा? लकड़ी डंडा से सभी, और हाथ ये कान में सुनाई नहीं दे रहा, ये कान का सुनाई नहीं देता, कान बेरा हो गया। क्या मैं निवेदन कर रहा हूँ, हाथ पैर जोड़ो भाई सर, मैं नहीं बटावली पटेल हूँ, मेरे को छोड़ दो, चलो मेरे घर में ले चलता हूँ, आप लोग नहीं जाएंगे, तू कौन पे बोलना, तू बोलना तो है नहीं, तूने कहे मार दें, गोली मार दे इसको कहे। ठीक, मैंने क्या किया, तू गोली मारा तो बोलना मत, क्या ये क्या तरीका है इनका, क्या ऊपर से 5,000 रुपये मांगे मेरे से और मेरा मोबाइल भी छीन लिया इन्होंने, क्या मारपीट का कारण क्या है? कारण ये बेल, चोरी के बेल ले जा रहा था, मैं क्या तेरे को चोर दिख रहा, मुझे चलो भटवाली मेरे पास, मना कर रहा हूँ, बोलना था ही नहीं तूने। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? भडवाली से जलगोन जा रहा था मैं। कौन था आपके साथ में? मैं अकेला था सर। क्या चाहते हो, एसपी ऑफिस आए यहाँ पे आप? भाई मेरे साथ में जो अन्याय हुआ ये मैं आएंगे ना चाहिए, और क्या चाहिए, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे सुनने को तैयार नहीं हूँ। एसपी साहब से मिले? एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कार्रवाई करें, किस पे करेंगे? जो जिसने मेरे को मारा उस पर। और ये सदाशिव मंडोई जी हैं जो भडवाली के रहने वाले सम्मानित व्यक्ति हैं, अपने समधी के घर से अपने खेत में काम करने के लिए बेल मांग कर ले गए। काम जैसे ही हो गया बेल वापस करने जा रहे थे, 5 बजे के आसपास की घटना है। सुबह सुबह इसलिए जल्दी गए कि वहाँ भी बेल काम में आ जाए खेत में। इस बीच में ऊन थाने से एएसआई शकील खान करके हैं और उनके साथ कोई आरक्षक है, इनके द्वारा इनके साथ बिना जा पूछताछ किए बर्बरतापूर्वक इनको मारा गया। हाथ पैर बांध कर पीछे गाड़ी में डाल दिया और उस पर कान पर और हाथ पैरों पर बार बार वार किए। इनके द्वारा बार बार बताया गया कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं गांव का पटेल हूँ, सम्मानित व्यक्ति हूँ, आप 200 मीटर दूर है किसी गांव में चलकर आप बातचीत कर लीजिए, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था और अन्यायपूर्वक इनके साथ बड़ा अत्याचार किया और उनके साथ मारपीट की। क्या चाहते हो आप यहाँ पर? हमने एसपी साहब से कहा है कि ऐसे व्यक्तियों पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए।